ये दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल, मैं हूँ राहुल और आज के इस वीडियो में हम बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो ये एक सीरीज चल रहा है बिजनेस और इकोनॉमिक्स का, तो अगर आपको जाके सारे वीडियोस देखना है तो जाके आप आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। पहला जो डिफरेंस है वो है, तो बिजनेस को एक बंदा भी कर सकता है या तो बहुत सारे बंदे मिल के पार्टनरशिप में एक बिजनेस को कर सकते हैं। तो यही अगर प्रोफेशन की बात करें तो इसके लिए दोस्तों जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है पहला क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये दो रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होना पड़े कोई भी प्रोफेशनल बॉडी बनने के लिए, और इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग यानी कि एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट रहता है। अब तीसरे पार्ट में जो आता है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर हमें कोई भी जॉब लेना है तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अगर हम जॉब के लिए एलिजिबल हुए तो एम्प्लॉयमेंट में एंटर हो सकते हैं। अब तीसरा जो है वो है कैपिटल से रिलेटेड। बिजनेस में मेनली हमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, और वहीं अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता, यानी कि बहुत ही कम लगता है बिजनेस के मुकाबले। और इसके अलावा आप अगर अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो प्रोफेशन में तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट और एस्टेब्लिशमेंट यानी ऑफिस वगैरह बनाने के लिए तो कैपिटल लगेगा। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई भी कैपिटल पे करना नहीं होता। अब तीसरा जो डिफरेंस है ये है काम यानी कि वर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन होते हैं कोई भी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं या तो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का वो एक्सचेंज करके उससे ही पैसा कमाते हैं, और प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडी होते हैं वो प्रोफेशन से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करके क्लाइंट से पैसा कमाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर के द्वारा जो वर्क असाइन किया हुआ है उसी को परफॉर्म करके आपको सैलरी लेना पड़ता है। चौथा डिफरेंस है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो बिजनेस में उतना कोई स्पेसिफिक फील्ड में क्वालिफाइड नहीं होना पड़ता, आपको बिजनेस करना आना चाहिए, बस आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, प्रोफेशन में जिस सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती ही है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ केसेस में बहुत ही ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन मेनली अगर आप कोई छोटा मोटा काम करें तो उसके लिए उतना क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं होती। जो रिक्वायरमेंट है बस थोड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उन सभी को अगर आप सीखते हैं तो ईजिली आप एक एम्प्लॉई बन सकते हैं। पांचवा जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट से रिलेटेड। तो बिजनेस में जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन होते हैं वो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और प्रोफेशन में जो मेन मोटिव होता है वो अच्छी तरह से एक सर्विस को प्रोवाइड करना, तो इसके रिटर्न में वो कुछ फीस लेता है, यानी कि इसमें भी प्रॉफिट ही मोटिव होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोफेशनल बॉडी अपने प्रोफेशन की भी अच्छे से ध्यान रखता है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक मोटिव नहीं होता, सिर्फ अल्टीमेटली सैलरी के लिए ही एक एम्प्लॉय काम करता है। तो जो छठा डिफरेंस है ये है रिस्क से रिलेटेड। तो बिजनेस में हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है लॉस का, क्योंकि एक नए बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं या तो अगर आप कोई बिजनेस में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लॉसेस का चांस रहता है। वहीं अगर प्रोफेशन को देखें तो प्रोफेशन में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको, आप अगर अच्छा प्रोफेशन चुनते हैं यानी कि जिसका डिमांड है, तो आपको ऑटोमेटिक आपका फीस मिलता रहेगा। और वहीं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल ये रिस्क नहीं होता। तो फिलहाल के इस वीडियो में हमने जाना बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिफरेंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले चैनल पे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।